वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। झूठ बोलता है, यही गाड़ दूंगा तुझका। तुम्हारी काप। बोल राजकार। अपुन को नहीं मालूम भाई। तेरे को नहीं मालूम, तेरे को नहीं मालूम, तेरे को नहीं मालूम। साला बनता है साला, साला बनता है साला। अंदर तक साले को। समय देते हैं भाई। बच्चे तू हाँ? अरे अरे यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो? ए मास्टर राजा कहाँ है? राजा इधर नहीं है। झूठ बोलता है तो बेटा तेरा। अरे अरे तुझे पता नहीं। ए पुड़िया, ए पुड़िया, पीछे मत आ तू, पीछे मत आ। मैंने बोला पीछे मत आ तू। ए पुड़िया, जिंदा गाड़ दूंगा उसको मैं, समझे तुम? ए मास्टर, तुझको मालूम नहीं, देख लूंगा तुझको भी, उसको भी मार डालूंगा साले को। तुझे ढूंढ रहा है, उसने बाबूजी को भी मारा। एक्सक्यूज मी, क्या रहे? कौन है आप? मेरे को नहीं पहचानता, नया है? सिटी सर्जन अन्ना,
कितना बड़ा बड़ा ऑपरेशन किया है, सब हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन चलता है, पेपर नहीं पढ़ता क्या? सॉरी, पेपर पढ़ो, क्राइम कॉलम में मेरा नाम छपता है, गवर्नमेंट जाओ। अच्छा जी, साला बात कर, मेरे को नहीं पहचानता। ए बेन, यू ऑल्सो गो, तेरे को भी बहुत खुजली है, कहाँ को गया था उधर मरने के वास्ते? मैं राजा को छोड़ेगा नहीं। ए पहले तू ठीक हो जा, इसको यहाँ से शिफ्ट करो और पता करो कहाँ है वो, किधर है वो छोकरा। साला उसका ऑपरेशन मैं खुद करूंगा। अदालत मुल्जिम राजा को 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश देती है। राजा मेरे बच्चे, तू घबराना मत है, मैं तेरे लिए करेंगा कुछ, मैं सिद्धि विनायक जाएंगा। हाँ राजा, चलो। राजा, ये तुमने क्या किया? हमने क्या क्या सपने देखे थे, तुमने सब तोड़ दिए। खुशी, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, मुझे भूल जाओ। खुशी, मेरा रास्ता बदल चुका है, मुझे भूल जाओ। नहीं राजा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे विश्वास है तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, चलो। ये देखो तुम्हारे राजा की तस्वीर, फ्रंट पेज पर न्यूज छपी है। मैंने कहा था ना कि गुंडे का भाई गुंडा ही होता है। राजा गुंडा नहीं है डैडी। ये तुम कह रही हो, लेकिन सारा शहर और पुलिस उसे गुंडा, मवाली, खूनी और न जाने क्या क्या समझता है। देखो उसे भूल जाओ और आज के बाद उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, बस। राजा मेरे दिल में था, है और हमेशा रहेगा। तुम्हारे इस पागलपन से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम्हारी शादी धर्म अधिकारी के बेटे मोंटू से ही होगी। वाओ, देखना। अबे क्या लड़की है यार, ऐसी सुंदर लड़की तो मैंने इस क्लब में पहले कभी नहीं देखी। ये तेरे काबू में आने वाली नहीं है। अबे जा, मेरा नाम मोंटो है, इसे पटा कर दिखाऊं? इसे पटा कर दिखा। लगी शर्त? क्या लगी शर्त? Excuse me. I'm Monto. तो मैं क्या करूं? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। लेकिन मैं नहीं चाहती, हट जाओ मेरे रास्ते से। और अगर ना हटा तो?
तुझे कितनी बार फोन किया, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? हाँ सिद्धांत, हाथ छोड़ मेरा। तू है क्या, एक बामली सा पुलिस इंस्पेक्टर? छोड़ूंगा नहीं तुझको, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। चलें। अरे चीजें जी के होते डैडी। अरे भांजे, ये तुम्हारे लाल लाल गाल को कौन कुत्ता खटकाया भाई? मजाक मत करो, डैडी कहाँ है? डैडी तो गए ऊपर। क्या बकते हो मामा, मेरे सर पे खून सवार है, बताओ डैडी कहाँ है? अरे बाप रे, बहुत गुस्सा में है, लगता है जूतों का मार पड़ा है। मामा बताता हूँ। अरे भांजे, हमारा मतलब वो ऊपर से नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से है। डैडी जीजा जी मार मार के कैसा कुत्ता बना दिया है। अरे थारी ये हालत किसने की? इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने डैडी। दो टके के इंस्पेक्टर की ये मजाल कि उसने तुझे मारा? उसको फौरन सस्पेंड करा दीजिए। उसको सबक सिखाना, वो सारा बहुत आराम है। हमको बोलता है हमारे बियर बार के अंदर ड्रग का धंधा चलता है, लेकिन किसी को नहीं मालूम, झूठ बोलता है। बोलता है सबूत मिलेगा तो अंदर करेगा, अन्ना को अंदर करेगा, अन्ना को। अरे आप चिंता कहां करते हैं, जी जी है ना। साला बाबू, कमिश्नर को फोन लगा। जी एक मिनट, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और आज जीजा जी का बहुत पहुंचा भाई। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? कमिश्नर साहब नमस्कार। हम कुंज बिहारी बोलता हूँ। अरे मंत्री जी का साला, हाँ जीजा जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ दीजिए एक मिनट। कमिश्नर साहब, थारे उस सिद्धांत को आजकल बहुत चर्बी चढ़ गई है, उसकी इतनी हिम्मत की उसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, फौरन सस्पेंड करो उसको। मंत्री जी, अच्छा हुआ कि सिद्धांत ने आपके बेटे को लॉकअप में नहीं डाला। अपने बेटे की हरकतों को काबू में कीजिए, वरना किसी दिन आपकी कुर्सी चली जाएगी। और आज जिस लड़की को आपके बेटे ने छेड़ा है वो मेरी बेटी है। डैडी, वो हो गया सस्पेंड? डैडी, वो तो सस्पेंड नहीं हुआ, लेकिन तेरे चक्कर में मेरी कुर्सी जरूर चली जाएगी। छेड़ने के लिए तो जो उस कमिश्नर की लड़की मिली। धर्माधिकारी का फोन था, कह रहा था सिद्धांत को सस्पेंड कर दो, उसके बाप का राज है। सर, उसके बेटे की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। जब भी मौका मिले उसको लॉकअप में डाल देना, जो होगा मैं बाद में देख लूंगा। इडियट, जाने क्या समझते हैं अपने आप को, लंगूर कहीं का। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तुम तो चाय पी के जाना सिद्धांत, नहीं तो पूजा नाराज हो जाएगी। क्यों पूजा? राइट डैडी, चलता हूँ। अच्छा पूजा, तो मैं भी चलता हूँ। तुम कहाँ जाओगे, इतने दिनों के बाद जो मेरे काबू में आए हो? मुझे काबू करना इतना आसान नहीं, मैं चला हूँ। गुड बाय। ए बाबू, ए बाबू। चक्कर चला तू, ए
रात में मैं खोया खोया जागा जागा सोया सोया तेरे चाहत में मैं खोया खोया ओ मेरी जाने जा बाहों में आ जाना दिल जान तुझ पे बुला ए बाबू कैसा चलाया तूने जादू ए बाबू दिल पे नहीं मेरे काबू 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 मेरी नींद गई मेरा चैन गया तेरी चाहत में क्या ध्यान गया ऐसे चल गया तेरा जादू 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 बाबू दिल पे तेरा ही काबू भाई फोन हेलो क्या रे कैसा है दो बस फर्स्ट क्लास अन्ना खुश है ना अच्छा अन्ना लेकिन इधर मन नहीं लगता है तेरे को टीवी दिया मोबाइल दिया अभी बियर बार भी उधर ही खुलो क्या नहीं अन्ना थोड़ा एक्चुअली बाहर की हवा खाने का है बाहर हवा नहीं मिलती है गोली मिलती है गुंडों का इनकाउंटर चालू है उधर आराम से रहना सरकारी दामाद बन के किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ तकलीफ 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 पब्लिक पब्लिक को पब्लिक बोलता है तू बहरा ही करे नहीं है ना नहीं 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 है ना नहीं नहीं हाँ सुन वहां एक सर्जरी करना है किसकी अन्ना राजा नाम का लड़का है 14 दिन का रिमांड है रिमांड के बाद उसका डिमांड बढ़ने वाला है उसके पहले सर्जरी कर डाल हो जाएगा अन्ना लेकिन अन्ना काम होने के बाद जरा अपने को बाहर आने का है पहले काम कर ओके ओके होएगा होएगा अन्ना होएगा गेम बजा साला तपलीक देता है तपलीक की तपलीक ए ये राजा कौन है रे नया फंडर है कल देखा चिकना है राजा तुमको जेलर साहब ने बुलाया है Thank you.
अरे लाइए दीजिए, अरे काम हो जाएगा, वो हम दोनों एक ही हैं, सिर्फ कपड़े का अंतर है, जाइए। हाँ 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 पहुँचा दीजिए, काम हो जाएगा, एक मिनट बाद फोन करता हूँ। आइए ना, खेलते हैं चेस। हाँ किसके साथ? अकेले खेलते हैं। अकेला? दुनिया में पहला आदमी देखा है जो अकेला चेस खेल रहा है। गवर्नमेंट ने इनको मंत्री कैसे बनाया? अरे गवर्नमेंट ने बनाया अन्ना, जनता ने बनाया है। अच्छा? है ना जीजा जी? सो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सोचते हैं मंत्री हो के। हाँ। दुनिया में पहला मंत्री देखा जो देश के बारे में इतना सोचता है। अरे देश के बारे में नहीं, फिर चेसवा के बारे में सोचते हैं। इतना तो सामने वाले कभी सोचते हैं ना। अन्ना देखना मेरी शतरंज की चालों का कमाल, अगले इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मारी होगी, सारे दुश्मनों को मात दे दूंगा। मात छोड़ो, पहले तुम्हारे पुराने दुश्मन प्रताप को मार दो, नहीं तो वो बाहर आके तुम्हारे स्टैचू को हार पहना देगा। क्या मतलब? मतलब वो अंदर राजा से मिल गया है, दोनों ने मिलकर रॉबर्ट का ऑपरेशन किया है, अगर वो बाहर आ गया तो। ओ, तो इंस्पेक्टर प्रताप राजा के जख्मों पर मरहम लगा रहा है। मरहम नहीं, आग में घी, घी नहीं पेट्रोल डाल रहा है। दो दुश्मनों का मिलना बहुत गड़बड़ होगा जी। अरे नहीं, अरे कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा जीजा जी, अरे अब जनते नहीं है, हमारे जीजा जी जो है ना राजनीति के राक्षस हैं। राक्षस? हाँ, इनके दिमाग में शैतानी कीड़े पड़े पड़े हैं। साला बाबू, हमने कहता हूँ दीदी कहती थी, देखिए तो सोचते हैं, ऐसा लगता है बहुत तगड़ा सोचते हैं। देखिए तो काली है? जीरो। क्या बोलते हैं? अगर आपकी पुलिस और कानून ने मेरा साथ दिया होता तो मैं ये रास्ता कभी नहीं अपनाता। सच तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि पुलिस, कानून और अदालत ये सब शरीफ और ईमानदार लोगों की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि गुंडे, मवाली और माफिया की हिफाजत के लिए होते हैं। नहीं राजा, ये महज तुम्हारी गलत फहमी है। गलत फहमी नहीं, सच्चाई है। अगर गलत फहमी होती तो आप जैसा सच्चा और ईमानदार पुलिस अफसर आज सलाखों के पीछे नहीं होता। अफसोस तो इस बात का है कि शंकर का कत्ल तब हुआ जब उसने जुर्म का रास्ता छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब शंकर जेल से सजा काटकर बाहर आया था। क्या ना, तुम आप उनका आरती उतारता है? आरती नहीं, वेलकम करता है। जब फौजी लोग बॉर्डर से घर आता है ना तो माँ बाप उसका आरती उतारता है, और आप उनका भाई लोग जब जेल से बाहर आता है ना तो हम उसका आरती उतारता है। सेफ रिटर्न होम। काय का सेफ रिटर्न? 9 महीना अंदर रह के आया है। 9 महीने के बाद तेरा डिलीवरी हुआ ना, इस खुशी में मैंने आज बहुत बड़ा जश्न रखा है। थारो गोर बंद नखरालो, पातिला थारो गोर बंद नखरालो, हो थारो गोर बंद नखरालो, आली जा थारो गोर बंद नखरालो। Yeah.
रोको गाड़ी रोको, टाइगर मेरे भांजे मेरे बच्चे, तो आ गया। तेरे लिए मैंने बहुत मन्नत मांगा, क्या? सिद्धि विनायक जाने का, मुंबा देवी जाने का, लमाल निकाल, मन्नत पूरी करने का है। ए मामा, आज आप उनके पास कुछ नहीं है मामा, आप उन बिल्कुल खाली है। क्या मस्करी करता है मामा से, हैं? तेरे पास माल नहीं, अक्का मुंबई का राजा है तू, टाइगर भाई, हैं? तेरे पास माल नहीं, ये ले मामा। अरे इसका मैं क्या करूंगा? जब कोई नहीं पिलाएगा तो दिखा देना, अक्का दुकान पिला डालेगा। खुश रहो भांजे, खुश रहो। माँ, ए माँ, माँ। अरे मेरा बेटा, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तुम अंदर जाओ शांति, यहां क्यों आए हो? अपन के घर नहीं आ सकता है क्या? फौरन यहां से चला जा टाइगर, तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ए, कैसा बात करता है बाबा? क्यों, हिंदी समझता नहीं है क्या? ये मेरा घर है, मेरा। इस घर में गुंडे मवालियों के लिए कोई जगह नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं जी, इतने दिनों के बाद तो बेटा घर आया है। अरे तो कौन सा सरहद पर जंग लड़के आया है कि इसकी आरती उतारो? जेल से आया है, जेल से। जब तक अंदर था शांति थी, यहां रहने लगेगा तो रोज नए तूफान खड़े होंगे, दिन में पुलिस वाले तो रात में गुंडे मवाली परेशान करेंगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद। जो लोग पहले हमारी इज्जत किया करते थे, आज इसकी वजह से हमसे बात तक करने में घबराते हैं। सब मुझे गुंडे का बाप कहते हैं। गुंडा साला, उनको गुंडा बोला, इधर इस चीज डालेगा साले को। अब उनको गुंडा बोला, ए माँ, अब गुंडा पैदा हुआ था तेरे कोक में, अब गुंडा था क्या? कौन अब उनको गुंडा बोलता है? अब उनको गुंडा बनाया किसने? तुम्हारे समाज ने, तुम्हारी पुलिस ने, तुमने। मैंने? वाह बेटा वाह, बस यही सुनना बाकी रह गया था। सुन लिया ना शांति, मैंने इसे गुंडा बनाया है, मैंने। सारी दुनिया ने तेरी वजह से मेरी इज्जत उतारी, जो बची कुची थी वो आज तूने उतार दी। तूने उतारी नहीं, बनाई है। तुम क्या समझता है लोग तुम्हारे सच्चाई और ईमानदारी को सलाम करता है? अरे टाइगर के बाप को सलाम करता है, टाइगर के बाप को, टाइगर को, तुमको नहीं। नहीं बनना मुझे टाइगर का बाप। चला जा तू, चला जा यहां से, हमारे लिए तू मर चुका है। अरे जाता है, जाता है, तुम इस रहो इस गटर में। तुम क्या समझता है अब उन इधर तेरे लिए आता है, अपनी माँ के लिए आता है? अब उनकी माँ का ख्याल रखना, समझता क्या अपने आपको? मास्टर, ए बस्ती वालों, जाता है टाइगर इधर से, आज के बाद इधर नहीं आएगा अपुन, याद रखना। मास्टर हिटलर बनता है, समझता है कि अपने आपको? तेरे बिना अपुन नहीं जी सकता है क्या? वो जा रहा है, उसे रोकिए। तुम अंदर जाओ शांति, उसे रोकिए ना, अंदर जाओ। शंकर तुम, क्या बात है? अरे बात क्या होगा, आज से आप उनका कोई घर नहीं। एक झटके में बोल दिया निकल जाए इस घर से, अब उनके लिए तुम मर चुका है। अरे आप उन विकस के लिए खोपड़ी, निकल गया, आज से आप उनका भी कोई नहीं, जान नहीं, आप उनका भी कोई नहीं। ए, तू अपना साथ देगी क्या? वरना आप उन अभी इधर से चला जाता है। मैं तो तुम्हारे प्यार में अपना सब कुछ लुटा चुकी हूँ शंकर। ए, तू बहुत अच्छी है रे चांदनी, आज से अपन इधर ही रहेगा। कितना हूँ भैया? रहने दीजिए मास्टर जी, आपसे पैसा लेकर मरना है क्या? क्यों, अगर टाइगर भाई को मालूम पड़ गया तो हमारा धंधा पानी बंद हो जाए। अरे ये क्या कर रहा मास्टर जी? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सब्जी, कहीं और से ले लूंगा मैं। मास्टर जी आप कहीं से भी लीजिए, पैसा आपसे कोई ना ले, क्योंकि आप टाइगर भाई के बाप। नहीं हूं मैं टाइगर का बाप। प्रणाम मास्टर जी। अरे मास्टर जी पहचाना नहीं आपने मुझे, मैं काबर साहब का बेटा निखिल। कैसे हैं मास्टर जी आप? मैं ठीक हूँ। आइए ना, आइए ना मास्टर जी, आपको घर तक छोड़ दूं? नहीं नहीं
मैं चला जाऊंगा। अरे मास्टर जी ऐसा कैसे, कमाल है आप, आइए ना मास्टर जी, मुझे सेवा का मौका दीजिए प्लीज, आइए ना मास्टर जी प्लीज, आइए 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 बैठिए। पानी पूरी बहुत तीखा है भैया जी, थोड़ा सा मीठा डालिए इसमें। और क्या कर रहे हैं आजकल? अरे मास्टर जी बस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, छोटा मोटा काम मिल जाता है कर लेते हैं। हाँ अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो एक बड़ा काम भी मिल सकता है। मैं समझा नहीं। अरे मास्टर जी अगर आप टाइगर भाई को बोलकर एक फोन करवा देंगे ना तो ये टेंडर मुझे मिल जाएगा, सब लोग उनसे डरते हैं मास्टर जी। गाड़ी रोको, मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। अरे मास्टर जी क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम था कि गाड़ी में बिठा कर तुम मेरा अपमान करोगे। अरे मास्टर जी इसमें अपमान की क्या बात है, देखिए जब तक टाइगर भाई है नोट कमा लीजिए, बाद में किसने देखा है। चुप कर बदतमीज। अरे क्या हुआ? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या यही सब पढ़ाया था मैंने तुम्हें? मास्टर जी पढ़ाया था? अरे मास्टर जी ये ईमानदारी और सच्चाई का सबक जो आप दुनिया को सिखाते हैं ना, अपने बेटे को सिखाइए। हरिश्चंद्र आया बड़ा। ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ और पढ़ाई में ध्यान दे। बाबूजी आ गए। बाबूजी आपके कपड़ों पे ये दाग? ये दाग तो धुल जाएंगे बेटा, लेकिन जो दाग मेरी इज्जत पर लगे हैं ना, वो मैं इस जिंदगी में नहीं धो सकता। लोग मुझे कुंडे का बाप समझते हैं, मुझे पैसे देकर टाइगर से अपना काम करवाना चाहते हैं। किसने ऐसा कहा आपसे बाबूजी, बताइए मुझे। अरे किस किस का नाम लो, किस किस की जुबान रोकोगे तुम? टाइगर का बाप तो मैं हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता जो लोग मुझसे करवाना चाहते हैं। मैं नहीं कर सकता वो। मैं सोचता हूं कि हम ये शहर छोड़कर ही चले जाएंगे, यहां ना हम जी सकेंगे ना इसकी पढ़ाई हो सकेगी। लेकिन हम कहां जाएंगे? अरे कहीं भी चले जाएंगे, मगर इस शहर में नहीं रहेंगे। राजा तू इधर, क्या काम है? हाँ तुमसे मिलने आया हूं भाई। हाँ बोलना भाई, तुम मेरी बात मानोगे तो बोलूंगा, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा यहां से। हाँ बोलना क्या काम है भाई। तुम इन लोगों का साथ छोड़कर मेरे साथ घर वापस लौट चलो। समझा, तू सेटलर बाप के साथ रहकर उसका बोली बोलना सीख गया है। अरे अपन ये सब छोड़कर जाएंगा तो किधर जाएंगा? हाँ भाई मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम इन लोगों का साथ छोड़कर मेरे साथ घर चलते हो या नहीं? अरे उधर से वो हिटलर बाप अपन को घर से निकालेगा, इधर से तू निकालेगा, तो अपन किधर जाएगा? बोल क्या प्रॉब्लम है तेरे को? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई। तुम्हारी वजह से इस शहर में हमारा जीना मुश्किल हो गया है, जिंदगी हराम हो गई है हमारी। ना दिन में चैन है ना रात को नींद, पढ़ना लिखना सब भूल गया हूं मैं। सब बाबूजी को गुंडे का बाप और मुझे गुंडे का भाई कहते हैं, कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता हमसे भाई। ए, ये सब टेंशन तू का को पलता है, तू पढ़ाई में ध्यान देना। अरे तेरे को बड़ा अफसर बनने का है। जिन हालात में मैं जी रहा हूं ना, अफसर तो क्या चपरासी भी नहीं बन पाऊंगा मैं। भाई भाई तुम चाहते हो ना कि मैं बड़ा आदमी बनूं, जिंदगी में कुछ बन जाऊं? हाँ तुम चाहते हो ना भाई, तो चलो मेरे साथ चलो। राजा अपुन ये सब नहीं छोड़ सकता है, साला अपुन का बाप अपुन को गुंडा मानता है तो अक्का दुनिया तो मानेगा ही ना। अरे शंकर से टाइगर कैसे बना तू तो जानता है ना, जानता है ना अपुन शंकर से टाइगर कैसे बना? पहली बार जब जिंदगी में हाथ उठाया वो भी अपना बाप का वास्ते, कोई अपने बाप का बदनामी करे अपुन से बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरी बार जब तेरा कॉलेज में लफड़ा हुआ अपुन को अंदर किया, जेल से बाहर हुआ तो बस ही का प्रॉब्लम। शंकर भाई को बुलाओ, शंकर भाई ये करेगा, शंकर भाई वो करेगा। अरे जब सब कुछ शंकर करेगा तो शंकर के लिए कौन क्या करेगा? ब्लैकलिस्ट अपुन हुआ, साला बस्ती के लिए बदनाम अपुन हुआ। अरे जब अपुन अपुन का घर आता है ना, अपुन का बाप अपुन को ऐसे देखता है जैसे अपुन उसका कोई दुश्मन है, उसका बेटा नहीं, कोई अपुन का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। और जब अन्ना ने अपुन का हाथ पकड़ा तू बता अन्ना का हाथ छोड़ कैसे छोड़ेगा? अन्ना का हाथ छोड़ेगा, अपुन अन्ना का भी हाथ छोड़ेगा, लेकिन उस दिन जिस दिन तू एक आईपीएस ऑफिसर बनेगा अपुन तेरे को सल्यूट मारेगा, तेरे पास आकर सरेंडर करेगा, ये टाइगर का वादा है। एक और बात सुन, अगली बार तू इधर नहीं आएगा, तू इधर नहीं आएगा, तेरे को मेरा कसम है, समझा क्या? ठीक है भाई चलता हूं मैं।
राजा सॉरी, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, माफ कर दो। अब तक नाराज हो? नहीं। ए, फिर क्या बात है? खुशी, हमारी आखिरी मुलाकात है, अब इसके बाद हम कभी नहीं मिल सकते। ये क्या कह रहे हो तुम? टाइगर की वजह से हम सब घर वाले बहुत परेशान हैं। वो गुंडागर्दी नहीं छोड़ेगा और इसीलिए बाबूजी ये शहर छोड़ देना चाहते हैं। और तुम मुझे? वाह राजा वाह, कितनी आसानी से तुमने अपना फैसला सुना दिया, और ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? सोचा था खुशी, और बहुत सोचने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि मैं तुम्हें कोई खुशियां नहीं दे पाऊंगा, और वैसे भी तुम्हारे डैडी को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम्हें पाने के लिए मैं दुनिया के सारे रिश्ते ठुकरा सकती हूँ राजा, मेरा रिश्ता सिर्फ तुमसे है, और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। खुशी, I love you राजा, I love you, I love you। खुशी जी, कहाँ से आ रही हो? जब आपको सब कुछ पता चली गया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। उस गुंडे मवाली के साथ रहकर ज़बान चलाना भी सीख गई हो? डैडी, मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रही हूँ, राजा आपकी नजर में मवाली होगा, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। मुझसे ज़बान चलाती है? आज से तेरा घर से निकलना, कॉलेज जाना सब बंद। देखा ना अंकल, क्या जादू कर दिया उस गुंडे मवाली ने, दिन रात उसी के गुनगाती रहती है। तुम बेफिक्र रहो मोंटू, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ खुशी से होगी, ये मेरा फैसला है। बोल कहां से आया तेरे पास इतना माल? मेरे पास माल नहीं है टाइगर भाई। मालूम मेरे को, साला थिएटर में ब्लैक करने वाला लुक्खा आज थिएटर का मालिक, बंगले का मालिक, फार्म हाउस का मालिक। हाँ, कहां से आया इतना माल? मेरे छोटे छोटे, बोलने तो इधर शौक डालेगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे। अरे उनका तो ख्याल कर, बोल किधर से आया इतना माल तेरे पास? बताता हूँ बताता हूँ, क्रिकेट से। तू गावस करे, टेंडुल करे, हाँ फिक्सर, फिक्सर हूँ टाइगर भाई। तभी मैं बोला मीर चंदानी के साथ फिक्सिंग करता हूँ। बड़ी शारजा का अभी तक कुछ फिट नहीं हुआ है, नहीं कल कड़ाची बात होगी ना, सब फिट हो जाएगा, लेकिन वड़ी वो मेरा 50% एडवांस भूलना नहीं है। ओके, हेलो वड़ी, कौन बोलता है? नहीं तेरा बाप। अरे मेरा बाप तो बहुत साल पहले मर गया, नहीं उसको मरे हुए 4 साल हो गए साईं। दूसरा जिंदा है टाइगर। अरे टाइगर है तो जंगल में जाओ, यहाँ शहर में रहकर हमारा दिमाग क्या चाटता है? नहीं अब तेरे घर में मीर चंदानी, सामने देख। टाइगर भाई तुम यहाँ? मीर चंदानी, सीबीआई का माफिक तेरे को बहुत ढूंढा, बहुत मुश्किल से तेरा पता मिला। क्यों टाइगर भाई? आप उनको मालूम है तू क्रिकेट का मैच फिक्स करता है, प्लेयर लोगों के साथ तेरा डायरेक्ट कांटेक्ट। बोल कल का मैच कौन जीतेगा? बड़ी आप क्या बोलता है टाइगर भाई, हम तो मैच देखते तक नहीं है। नहीं देखता? नहीं, हम तो बचपन से बॉल भी हाथ में नहीं पकड़ा है टाइगर साईं, मैच कहां से देखेगा? तेरे को नहीं मालूम, अब मालूम पड़ जाएगा। बता कल का मैच कौन जीतेगा? झूले लाल की कसम टाइगर साईं, मेरा तो साबुन और पापड़ का धंधा है। नहीं तेरे को सब मालूम है, बता वरना सारी की सारी गोली इधर ही निकाल डालेगा। बता टाइगर साईं, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान। टाइगर से पंगा नहीं लेने का, समझा? समझ गया, माफ कर सर, समझ गया। अन्ना टाइगर, कल का मैच पाकिस्तान जीतेगा, जितना पैसा लगाने का लगा। ए बिहारी, जीजा को फोन दो। बोलिए जीजा जी, मीटिंग में हमसे बोलिए, क्या बात है? अरे उसको बोलो, उसको हम मुख्यमंत्री बनाता है। हेलो, पहले जनता मुख्यमंत्री बनाती थी, अब ये साला गुंडा लोग बनाएंगे, हद हो गई। बोलो गुंडा जी। हाँ, क्या बोला रे? गुंडा बोला? नहीं, अन्ना बोला, अन्ना बोला। हम ये बोलता हूँ कि आप थोड़ा होल्ड करके रखिए, हम अभी जीजा जी को बुलाता हूँ। हाँ जल्दी बुलाओ, साला चाय से किटली करो। हाँ मुझे मालूम है मीटिंग चल रहा है, मालूम मेरे को सब चिटिंग चलता है। कौन है ये? लीजिए गुंडे का फोन है। हाँ? नहीं, अन्ना का फोन है, दोनों सेम। हाँ बोलो ना। अरे क्या बोलने का,
टीवी पर वो अमिताभ बच्चन सबको बुलाकर करोड़पति बनाता है ना, मैं तुमको अरबपति बनाता हूँ। कैसे, जरा सुनो तो। अरे खेल के क्रिकेट मैच, मल्ले तो कभी बल्ला नहीं पकड़ा, क्रिकेट खेलेंगे कैसे? जी हमारा नाम लिखवा दीजिए, हम खेला हूं। क्या? अरे तुमको नहीं बोला रे, ये बिहारी बोलता है ये क्रिकेट खेलेगा। लेकिन अन्ना हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? तेरे पास नहीं है लेकिन पार्टी फंड है ना, उसका चाबी तुम्हारे पास, ताला खोलो, पैसा निकालो, गेम में डालो, जीतो फिर एमएलए खरीदो, सीएम बनो। वाह क्या आइडिया है, क्या आइडिया है अन्ना। लेकिन थारा मैच फिक्स तो है ना? नो नो, मैच बिल्कुल फिक्स, नो रिक्स, नो रिक्स। बाय 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 बाय। साला बाबू है, अब सीएम की कुर्सी दूर नहीं है। नॉट कंप्लीटेड द सीरीज एंड वी थॉट दैट वुड बी अ से वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। जीजा जी, आज तो ऐसा लगता है कि आपके इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। इलेक्शन की बात क्यों करता है रे? चुप बैठ के मैच देख, सामने देखे। आज का मैच इलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अन्ना, पार्टी फंड का सारा पैसा दांव पे लगा दियो है। तो हमारा भी लगा है खोखा में, बेहतरीन टाइमिंग और वो मारा चौका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले चौका मारा फिर छक्का मारा, अभी अट्ठा मारेगा। अट्ठा? हाँ। अन्ना जी, ये क्रिकेटवा है, इसमें आठ नहीं होता है। क्रिकेट का मैच जब फिक्स होता है तो आठ दस बारह सब होता है, क्या समझा? अठारह भी हो सकता है। जिया जी, ये क्या हो रहा है? ए टाइगर, ये विकेट पे विकेट उड़ते जा रहे हैं, मन में तो घबराहट हो रही है। इतनी घबराहट तो हमारे चुनाव में भी नहीं हुई। मंत्री जी, टेंशन क्या को लेता है, एक क्रिकेट है, बाजी कभी भी पलट सकता है, और फिर ये तो अपन का मैच है, फिक्स है। फिक्स है, रिस्क है, फिक्स है, रिस्क है। अरे मैच पलट गया, डूब गया, पैसा बर्बाद हो गया। क्या है ये सब है? क्या है ये सब? तारी बातों में आके मारा सारा पैसा डूब गयो, कौन सा मैच फिक्स हो? आप उनका कर सकता है, अब उनके साथ भी धोखा हुआ है। तुमने हमको बर्बाद किया, रोड पे लाया, मैच फिक्स था तो ना, ये मैच हमारे लिए नहीं, इसके लिए फिक्स था। अपनी टोपी उल्टी पहना गया मैं, सारा माल अंदर करके आए। ए कालिया, अब उन पे इल्जाम लगाता है टाइगर पे, इधर ही चीर डालेगा तेरे को। ए मुझसे पंगा मत ले, मार डालेगा तुम्हें। बकवास बंद करो, क्या है ये सब? ये हार मारे से बर्दाश्त नहीं होगी टाइगर। टाइगर तुमने बहुत गड़बड़ किया, तुमने धोखा दिया हमको। जीजा जी, अब क्या? डूब गया पार्टी का पीसा, अब तो गई मारी कुर्सी। मिस्टर नानी, शहर के किसी माइकल लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो टाइगर से पंगा ले। बोल, तूने अपन के साथ धोखा क्यों किया? हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया टाइगर साईं, वो तो कैप्टन ने लास्ट मोमेंट पे गेम घुमा दिया। नहीं, झूठ मत बोल। आज पहली बार तेरी वजह से अपुन जलील हुआ, अन्ना और वो मंत्री का बच्चा अपुन को बेईमान बोला, तेरी वजह से अपुन के माथे पर बेईमानी का दाग लग गया। बोल, तूने अपुन के साथ धोखा क्यों किया? हमने किसी को धोखा नहीं दिया झूलेलाल की कसम, हम तो खुद तबाह बर्बाद हो गया। नहीं पहुंचाना बता है, हा? हा? चल फोन दे। अब्दुल कालिया बोल रहा हूं मीर चंदानी। तूने तो वो काम किया है जो कभी मीर जाफर ने किया था। एक तीर और दो निशाने। अपन के पास माल भी आ गया, पाकिस्तान टाइगर के सब का वाट भी लग गया है। उससे डरने का नहीं, अपन तेरे साथ है क्या? सुन रहा कि नहीं, माल का 50-50 कर लेगा। और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं 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 चाहिए भाई, नहीं नहीं नहीं। हेलो हेलो हेलो, मेरी चंदारी बोलते क्या? नहीं क्या हुआ डार्लिंग? मीर चंदानी तो क्लीन बूट हो गया। ओ नो, साला तूने मेरे साथ ही गेम खेला, काट डालो साले को। Yeah!
इन्हें छोड़ दीजिए। टाइगर ऐसा नहीं कर सकता है, मेरे को बिलीव नहीं होता है। अपन क्या झूठ बोलेगा अन्ना तुझसे? साले ने मीर चंदाली के साथ सेटिंग किया था, उसे माल देना पड़ेगा, साले ने उसको भी टपका दिया, सारा माल अंदर कर गया। मैं बोला तो मालूम क्या बोला? अपन को अन्ना की जरूरत नहीं, अन्ना को टाइगर की जरूरत है। बोला अन्ना जाए फाल में। साला धोखेबाज, तू बाज की तरह उसके ऊपर नजर रख। ए, ये चिक चिक पिक पिक अपन को नहीं समझता है क्या? मैं तेरे को बोला एक बार गिरा डाल मतलब गिरा डाल। नहीं, मैं नहीं गिराऊंगी इसे, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आई थी और अब मैं जा रही हूँ, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। साला अगर इसको कुछ हुआ ना, पक्का मुंबई को चलाना लगा पुन। चांदी हाथ मत लगाओ मुझे, शंकर प्लीज चले जाओ यहाँ से, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। नहीं चांदी, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना होगा। ताकि दुनिया इसे हरामी कहे? कौन साला इसे हरामी कहेगा? ये आप उनका बच्चा है, टाइगर का बच्चा। यही तो मैं नहीं चाहती शंकर, नहीं चाहिए मुझे टाइगर का नाम। अगर तुम चाहते हो कि इस बच्चे को जन्म दूं, तो तुम्हें सारे गलत काम छोड़ने होंगे, उन सब गलत लोगों का साथ छोड़ना होगा। बोलो छोड़ सकते हो? छोड़ दूंगा चांदी, मैं उनका साथ छोड़ दूंगा तेरे लिए और आप उनके होने वाले बच्चे के लिए। आप उन लोग का साथ छोड़ देगा? मैं कैसे यकीन कर लूं शंकर? आप उनको अपने बच्चे की कसम चांदी, आज से आप उन सबको छोड़ देगा। सच कह रही हो शंकर? हाँ चांदी, आप उन तेरे से शादी आज ही बनाएगा, पुल मंजूर है। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्र निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आयुष्मान प्रणाम कर लीजिए। शंकर, मैं माँ और बाबूजी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। कोई फायदा नहीं चांदी, अब उनके बाप ने आज तक अपन को नहीं अपनाया तो तेरे को क्या अपनाएगा? अरे तू मेरे बाप को जानती नहीं, वो बड़ा हिटलर है हिटलर। शंकर, कहते हैं शादी के बाद अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद न लो तो शादी सफल नहीं होती, अधूरी रह जाती है। चलोगे ना? तू बोलती है तो अपन चलेगा, पर अपन उसके सामने नहीं आएगा, अपन ने कसम खाई है, बोल मंजूर? तो चल। नमस्ते मां जी। नमस्ते, कौन हो तुम? आपकी बहू शंकर की पत्नी। शंकर की पत्नी? कौन है शांति? नमस्ते। कौन है ये? ये कहती है कि ये शंकर की पत्नी है। शंकर की पत्नी? मुझे पता था एक ना एक दिन यही होना है, वो जरूर किसी को धोखा देगा और आफत हमारे गले आएगी। धोखा नहीं बाबूजी, उन्होंने मेरे साथ शादी की है और हम आप दोनों से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। बस बस ठीक है, सदा सौभाग्यवती रहो। और इसके अलावा और कुछ है भी नहीं हमारे पास देने को, और ना ही टाइगर से हमारा कोई रिश्ता है। कहने से क्या होता है बाबूजी, बाप और बेटे का तो खून का रिश्ता होता है, उसे इतनी आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। और फिर मुझे मालूम है कि आप टाइगर से नफरत करते हैं, शंकर से नहीं। आपका शंकर वापस आ गया है बाबूजी, उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, उन सब गलत लोगों का साथ छोड़ दिया है। मैं बाप हूं उसका, तुमसे ज्यादा मैं उसे जानता हूं, वो कभी नहीं सुधर सकता। अरे जब मैं उसे नहीं सुधार सका तो तुम क्या सुधारोगी? बाबूजी,
उन्होंने मेरी कसम खाई है, मुझसे वादा किया है, उन्हें माफ कर दीजिए। बाबूजी मैंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया, इसका एहसास आप उनको आज हुआ। जो बच्चा इस दुनिया में अब तक नहीं आया उसके लिए आप उन इतना परेशान हैं, तो अपन समझ सकता है कि आपने मेरे लिए कितना दुख उठाया होगा। आप उनको माफ कर दीजिए बाबूजी, आप उनको माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए ना, आप उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी, आप उनको माफ कर दीजिए, आप उनको माफ कर दीजिए।
क्या? कहाँ जा रहे हो तुम? अन्ना के पास। अन्ना के पास? शंकर तुम फिर? गलत मत समझना चांदी, आखिरी बार आप उनको जाना पड़ेगा। ये सब है ना, अन्ना का अमानत है, उसको वापस करना पड़ेगा। नहीं जाएगा तो वो अपन को गद्दार समझेगा, और आज आप उन अन्ना को बोल देगा कि आप उन तेरे से शादी बनाए और एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है। आज से सारा लफड़ा पर। लेकिन शंकर मुझे बहुत डर लग रहा है। करने की कोई बात नहीं, अरे अब उनका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। फिर तेरा प्यार जो अपन के साथ है। अरे यार तुम मुझे बॉम्बे का टेंशन बहुत है, तुम मद्रास का टेंशन मत दो। वही चन्ने हो मद्रास हो, सर पे लेके नाचने की बात है क्या? स्वामी को फोन दो, स्वामी उसको समझाओ और तुम भी समझ ले। फोन रख। हाँ आ जाओ, आ जाओ वर्मा, आ जाओ। चल निकल ले, चल। नमस्कार। प्यार बंटार तुम इधर? बस ऐसे ही सब। नमस्कार अन्ना। क्या रे वर्मा, प्रमोशन हो गया? हाँ। अच्छा लग रहा है। अपना आदमी तरक्की करता है तो अच्छा लगता है। हम तुमको देगा हफ्ता। हफ्ता तो आप मेरे को देते हर महीने? महीना तो गवर्नमेंट देता है, हम तुमको हफ्ता देगा। हफ्ता बोले तो 7 days, 7 दिन में देने का 7 दिन में लेने का। कैसा है? अच्छा है। तू बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा टिप देता है। गुड मैन, वेरी गुड मैन। कल तू मेरे बियर बार पे रेट डाला ना। अन्ना वो इंस्पेक्टर सिद्धांत है ना, उसकी वर्दी बहुत खुजली। अन्ना अब बहुत खुजली है ना, तू भी थाना साथ में। अन्ना सीनियर है, साथ रहना पड़ता है। हाँ सीनियर के साथ जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, अभी तो प्रमोशन मिलता है। अरे वाह ये भी मिल गया क्या? नाइस, अच्छा है। नद उतरा के नहीं? नद बोले तो? नद बोले तो गेम मजा आएगा। नहीं नहीं अन्ना, कल इशू हुआ है। कल इशू हुआ है, अच्छा मौका है। पुलिस की गोली, पुलिस की वर्दी, क्या है क्या है यार? मैं इधर पुलिस वाले का गेम बजा रहा हूँ और तुम गेम की बात करते हो, अच्छा नहीं लगता है। किसी का गेम बजाते वक्त फोन अटेंड करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। रख फोन। अन्ना मैंने कोई गद्दारी नहीं की। मुझे क्या मालूम, पुलिस वाला होके गद्दारी नहीं किया बोलता है। अन्ना मैं आपका वफादार कुत्ता। कुत्ता वर्दी पहनकर कानून का वफादार नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? टाइगर मेरा बेटा आ जाओ। टाइगर कुत्ता मर गया। गद्दार था साला, पुलिस का भी और अन्ना का भी टपका डाला। चल ए कचरा उठाकर फेंक दो पुलिस चौकी में। तू किधर जा रहे इतने देर टाइगर? हाँ तू क्या नाराज है मुझसे? अन्ना से नाराज नहीं ना? अच्छा हमने सुना तूने शादी किया और अन्ना को पता नहीं? अरे मेरे को बोलता ऐसा शादी करता अक्का मुंबई को पता चलता। अच्छा कोई बात नहीं, किया तो किया, अच्छा किया, लेकिन अब सब छोड़ दे और धंधे पर ध्यान दे। नहीं अन्ना, आज के बाद अपन ये काम नहीं करेगा। क्या बोला? आपने किसी को वादा किया है अन्ना? ए पागल हो गए क्या? किससे वादा किया है? 2 टके के नाचने वाली से? और धंधे पर ध्यान देगा ना तो हर रात एक रान मिलेगे रान। खबरदार जो चांदनी के बारे में कुछ भी कहता हूँ, चांदनी अपन की बीवी और अपन उससे प्यार करता है। तेरी जगह और कोई होता ना इधर, अपन उनको इधर ही चुरा जाता। ए टाइगर मैं मजा कर रहा था, रिलैक्स। मैं देखना चाहता था तू चांदनी से कितना प्यार करता है। देखा बहुत प्यार करता है तू, रिलैक्स। मजाक कर रहा था, देख रहा था कि चांदनी के साथ तेरा कितना प्यार है ना। मजाक तो कर रहा था ना, बैड लक मतलब अपने को नहीं मिला कोई चांदनी जैसा तो पूरा लाइफ में अंधेरा है। अच्छा है ना, अच्छा है ना, शादी करके सेटल हो रहा है तू, जा नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट, नो प्रॉब्लम। ये क्या अन्ना? अपन तेरे को तेरा अमानत लौटाने आए, अगर अपन से कोई गलती हो गया हो तो अपन को माफ कर देना। ए, 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 याद रखना मुझे, मैं आधी रात को मरने को तैयार हूँ। टाइगर मेरे को कान दिखाता है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? हाँ आज से महाभारत शुरू, ये निकाल छोटी बान। बाले ने? हाँ बाले, चल छोटी बान।
कसम खा, जब तक टाइगर को नहीं मारेगा तब तक चोटी नहीं खुलेगी। कसम अन्ना, जब तक टाइगर के खून से मैं अपने बाल नहीं धोऊंगा तब तक ये चोटी नहीं खोलूंगा। मैं नहीं खुलेगी, बस अभी शुरू, महाभारत अब से शुरू। हेलो हेलो हेलो, इंस्पेक्टर सिद्धांत। यस, मैं कमिश्नर राठौर बोल रहा हूं। सर बोलिए। तुम फौरन पालन पैलेस पहुंच जाओ, जल्दी। सर एनी सीरियस मैटर? जो कह रहा हूं वही करो, मैटर इज वेरी सीरियस, कम अलोन। सर मैं आ रहा हूं सर। तुम मुझे देखे मुस्कुराए और चल दिए, मुझे देखे मुस्कुराए और चल दिए। दिन भर ड्यूटी के चक्कर में प्यार का ना कोई पल दिए, मुझे देखे मुस्कुराए और चल दिए, मुझे देखे मुस्कुराए और चल दिए। दिन भर ड्यूटी के चक्कर में प्यार का ना कोई पल दिए, मुझे देखे मुस्कुराए और चल दिए। कहूँ तुमसे है कितना काम जी, हाय हालत है क्या मेरी जान राम जी, कैसे कहूँ तुमसे है कितना काम जी। साबे अपन का छोटा भाई राज। नमस्ते। आईपीएस का पढ़ाई करता है। ओह वेरी गुड, थैंक्स। अच्छा साहब अपन चलता है। ओके सर। ओके बात होगी भैया। देख अपन ने साथ को सब कुछ समझा दिया और तू भी ध्यान रखना, समझा गया? हाँ चल ठीक है।
साला कुत्ता, जान बचाने के लिए पुलिस के पास गया। हाँ ए कालिया, जिंदगी भर औरत भर के घूमेगा क्या द्रौपदी? कल तक ये चोटी खुलना मांगता है, मैं तुम्हें काट देगा। कितना बड़ा कसम दिया था, किसी काम का नहीं, छक्का। अन्ना, आज टाइगर किधर भी होएगा ना, अपन उसको टपका डालेगा। क्या बात मत कर, टपका डाल पहले, बात तय करता मैं, टपका दूंगा साले को। परफॉर्मेंस दिखाओ। ए चांदी, ये देखो अपन क्या लाया। इतने सारे खिलौने किसके लिए शंकर? ये अपन के होने वाले छोटे टाइगर के लिए। फिर टाइगर, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे बाबा नाराज क्यों होती हो? अच्छा ये बताओ मेरा नाम क्या है? शंकर। और शंकर का बेटा गणपति? गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा लव करिया। तू ठीक तो है ना शंकर? मर को बुलाओ। चल इधर बैठ, इधर बैठ। देख मैं अभी आया। माँ 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 माँ, चांदी चांदी का पेट दुख रहा है माँ। अरे पगले, इस घर में खुशियाँ आने वाली है, मैं दादी बनने वाली हूँ और तू बाप बनने वाला है। बाबूजी आपने सुना माँ ने क्या कहा? अरे बेटा जल्दी से टैक्सी बुलवा और उसको अस्पताल ले जा। सिग्नल है साहब। अरे शंकर तो टेंशन मत ले चांदी, कुछ नहीं होगा, आज अपन के लिए बहुत बड़ा दिन है, भगवान अपन के साथ है। शंकर टाइगर बाप बनने वाला है, मुबारक। क्या किसने मारा? डॉक्टर साहब भाई कैसा है? मुझे अफसोस है मैं उन्हें बचा नहीं सका। I'm sorry. नहीं। ताली बजाओ। आज से मेरा कलेजा ठंडा पड़ गया, हार्ट फेल कोल्ड, नो आई एम हैप्पी, गुड परफॉर्मेंस। ए आज से ये तुम्हारा भाई हो गया, भाई नहीं भाई, भाई असली भाई हो गया आज से। अन्ना आप तो बाप हो बाप। क्यों आया रे तू? अरे मारो,
अबे अंत तो तेरा आ गया है, अभी तो इसको लेके जा रहा हूं। अगर तूने हरकत की ना कोई, मां कसम तुझे भी घसीट कर ले जाऊंगा यहां से। जानता नहीं क्या अन्ना को? अबे जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। भाई बनने से पहले क्या था तू? दल्ला, दल्ला था तू। क्या सोचता है तू? हां नेताओं से तेरी दोस्ती है? कानून और पुलिस को खरीद लेगा तू? कानून के बीच में आएगा तो ऐसा पिसेगा ना, फिर से अपने धंधे पे पहुंच जाएगा। और तेरे धंधे वाली आए ना, तेरे को पहचान भी नहीं पाएंगी। ये वही है जो हमारी तलाली करता था। चल बे। ए, इंस्पेक्टर साला दो टके का पुलिस वाला मेरे घर में मुझे गाली दे रहा है। ए, मार डालो इसको। ए, मत मारो इसको। जाने दो, ले जाओ इसको। अन्ना तुम मेरे पे भरोसा रखो, शायद मैं कुछ करूंगा। हाँ मैं करूंगा शायद। जाओ तुम, जाओ तुम लोग। अभी मैं सिस्टर को फोन लगाता हूँ। सिस्टर को नहीं, सिनिस्टर को फोन लगाता हूँ। सिनिस्टर, मिनिस्टर, मिनिस्टर को फोन लगाता हूँ। हाँ जाओ तुम, जाओ। तेरी सारी चर्बी निकाल दूंगा साले। अपेचा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू मेरा। इस शहर में ऐसा कोई नहीं जो अन्ना से पंगा ले, समझा? तू ऐसे आऊंगा मैं बाहर, देखना तू ऐसे ऐसे देख। देखता हूं तेरे उस दल्ले बाप की कितनी पहुंच है। तू तो मेरे काबू में आ गया, अब उसकी बारी है। अबे चल, तेरे जैसे हाजिरी देते हैं वहां। मां कसम अगर मैं जेल से बाहर आ गया ना, तो सबसे पहले तेरा गेम बजाऊंगा, समझा? तू साले मेरा गेम बजाएगा तू? अब जाने क्या होगा, यहां तो कोई भी वकील ये केस लेने को तैयार नहीं है। घबराइए मत बाबूजी, कोई ना कोई वकील तो तैयार हो ही जाएगा। सुनिए सर, सुनिए, केस क्या है आपका? देखिए मैं आपका केस लड़ूंगा। देखिए अभी तक मुझे एक भी केस नहीं मिला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो केस मेरे हाथ में आएगा मैं जीतूंगा जरूर। बोलिए सर, बोलिए क्या केस है आपका? मर्डर केस है। मर्डर? जीतूंगा, जरूर जीतूंगा। किसका मर्डर हुआ है? मेरे भाई का। किसने किया? मैंने। चल बोल, लड़ेगा किस मेरा? लड़ेगा नहीं? हाँ चल, ए धक्का मत है। अबे चल, क्या हुआ बताइए वकील साहब। देखिए मैं मर्डर केस से अपने करियर की शुरुआत नहीं करना चाहता, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चल बेटा, कोई फायदा नहीं। शंकर उर्फ टाइगर के कातिल अब्दुल कालिया के खिलाफ पुलिस ने अब तक कोई गवाह पेश नहीं किया है, लिहाजा ये अदालत अब्दुल कालिया को बाइज्जत बरी करती है। बांजे, टाइगर बहुत अच्छा था रे, मेरे को बहुत प्यार करता था। अच्छा था, अंडरवर्ल्ड में था, सुधर के क्या मिला? दुनिया इसकी भाषा समझती है राजा। ये टाइगर का अमानत है, मेरे को बोला इसको रखो, इसका मैं क्या करेगा? ले तू रख इसको। मगर अफसोस कि उस दिन कालिया मेरे हाथों से बच गया, अगली बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा, राजा तुम्हारी जमानत हो गई है। मुबारक हो राजा, एंड गुड लक टू यू। मैं जब बाहर आऊंगा तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। मैं भी आपका इंतजार करूंगा सर।
राजा राजा। हाँ रहने दे, मैं देता हूँ। कैसा है? ठीक हूँ राजा भाई, कैसा है? अच्छा। अरे मौसी, राजा आया है। राजा, मेरा बेटा आ गया। राजा राजा, रुक रुक रुक। अरे अच्छा हो तू आ गया यार, नहीं तो बहुत लफड़ा हो जाता। कैसा लफड़ा? वो तेरा ढोलकिया है ना, वो खुशी की जिंदगी की सारी खुशियां छीनकर उसकी शादी ये अपने मोंटू से करवा रहा है। क्या बात कर रहा तू? हाँ यार, और शादी आज ही है। चल 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 चल, उस ढोलकिया की ढोल बजा देते। चल 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 चल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं खुशी को लेने आया हूँ। बकवास बंद करो, आज खुशी की शादी हो रही है, इसीलिए तो बारात लेकर आया हूँ। चुपचाप वापस चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर खुशी के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। दीदी दीदी, राजा भैया आए। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? राजा, सुना नहीं तुमने? राजा खुशी, वहीं रुक जाओ। राजा पागल हो गए हो, तुम पीछे हटो। नहीं जानी, मैं राजा के बिना जी नहीं सकती, और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजा के साथ। पागलपन मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई फायदा नहीं जानी, क्योंकि मैं 18 साल 3 महीने और 11 दिन की हो चुकी हूँ, और कानूनन मुझे मेरा जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। और बाप का भी अपनी औलाद पर कुछ हक होता है? होता है, लेकिन अपनी औलाद की खुशियों का गला घोटने का हक नहीं। और औलाद को यह हक किसने दिया कि वो अपने बाप की इज्जत को उछालकर एक गुंडे बावले के साथ चली जाए? ए, गुंडा नहीं हूँ मैं गुंडा नहीं हूँ। खुशी से प्यार करता हूँ मैं, और इस दहलीज से उसे शादी करके ले जाऊंगा। पंडित जी, जी मंत्र पढ़िए। ओम शांताकारम यजनम पत्रावम देशम विश्वाधारम गगन सदिशम मेघनम शांतम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिनम धनगम्यम वंदे विष्णु भवैरम। मुझे आशीर्वाद दीजिए डैडी। चलो खुशी। मुझे आशीर्वाद दीजिए डैडी। चलो खुशी।
मोहे लागी रे लगन मोहे बोले मोरा मन मोहे अरे लागी रे लगन मोहे बोले मोरा मन मोहे अरे लागी रे लगन मोहे बोले मोरा मन मोहे बिठे बिठे सपनों ने किया है मगन मोहे बिठे बिठे सपनों ने किया है मगन मोहे दिल ये दीवाना कहे डैडी राजा खुशी को भगा कर ले गए और हम कुछ ना कर सके। हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही उसकी प्रेम दीवानी थी, उससे शादी करके क्या करता। बिरादरी में ना कटवाता मारी बीबी थारी और माशुका राजा की छी, भूल जाओ उसे। मैं नहीं भूल सकता, मैं राजा को जान से मार डालूंगा डैडी। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझा। राजा हमारी राजनीति की शतरंज का मोहरा है, उसके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलानी है मल्ला। तू अभी नहीं समझेगा साला बाबू। बोलिए, राजा को बुलाओ। प्रणाम मास्टर जी। हम हूं, हम कुछ बिहारी हूं, मंत्री जी का साला। कहिए। मंत्री जी राजा जी को बुलाए हैं। किस लिए? जरूर कोनो बड़ा काम होगा, वरना ये मंत्री लोग सगे बाप को भी नहीं बुलाते हैं। राजा तुमसे कोई मिलने आए हैं। बुला लीजिए राजा। आगे 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 चलिए राजा जी, आपको जीजा जी बुलाए हैं। कौन जीजा जी? अरे हमारे जीजा जी को नहीं जानते? अरे मंत्री महामहिम श्री धर्माधिकारी जी। चलिए। चलता हूँ। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माता जी। आइए आइए चलिए। जीजा जी देखिए तो हम राजा बाबू को ले आया हूँ। अकेले खेलते हैं, कोई मिलता नहीं ना। आइए बैठे ना, बैठे तो बैठ जाइए। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? ये
प्यादा मेरे काबू में आ गया। मैं थारा इंतजार कर रहा था। मुझे बुलाने का कारण? तुम्हें शायद मालूम नहीं, थारी जमानत मैंने ही करवाई है। जानते हो क्यों? क्योंकि टाइगर आपका दोस्त था। लेकिन दुश्मनों ने उसे मार दिया। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। मैं तो फ्यूनरल में भी आना चाहता था, लेकिन तुम तो जानते हो पेपर वालों को। राजा, तुम्हारी बस्ती मेरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। पहले लोग टाइगर की बात मानते थे, अब तुम्हारी मानते हैं। मैं चाहता हूं कि अगले चुनाव में तुम मेरे खास आदमी बनकर मेरी मदद करो। आपका मतलब समझ गया, लेकिन माफ कीजिएगा मंत्री जी, मैं अपने कंधे किराए पर नहीं देता। मुझे थारे कंधों की जरूरत नहीं है राजा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे भाई के कातिल की जरूरत तो है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं। तुम मुझे वोट दिलवाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारे भाई का कातिल यानी कालिया। बोलो, मंजूर है? सोचिए मत, हाथ मिला लीजिए। बढ़ाइए, अभी बढ़ाइए। छोड़ दीजिए, चलता हूं। गया, मान गए जीजा जी, आखिर आपने अपनी शतरंज की चाल खेलकर राजा को अपने काबू में कर ही लिया। पर कमीनापन हो तो हमरे जीजा जी जैसा, ऐसा हमरी दीदी बोलती थी, हम नहीं। हाँ हाँ, मैं समझ गया। अरे मैं समझ गया, तू खानदानी होशियार है। आओ, धर्माधिकारी मिल गया राजा से। आओ अबे, अरे वो गेम बजाएगा तेरी, राजा को टपका डाल, अपनी जान बचा। फोन रख मूर्ख साला, भाग। राजा तू तो गया। तू मुझे ढूंढ रहा है और तेरी मौत खुद तुझे ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंची। याद है कालिया,
मेरे भाई को भी तूने यही मारा था ना? धर्माधिकारी ना, घर में गुंडा घुसा है। बिचा गुंडा जी, नहीं नहीं मतलब अन्ना सर जी बैठे नहीं है, बहुत जल्दी में है। अन्ना है, बोला उसको। बोलता हूँ क्या पियेंगे? कौन खून तो बहुत गर्म होता है, इस मौसम में कैसे पियेंगे आप? उसका खून पीऊंगा, वो ठंडा हो जाएगा, फिर मेरा घर में उतरेगा। चिल्लाई मत। अन्ना क्यों चिल्ला रहा है? हम तो सिर्फ चिल्ला था, तुम विधानसभा में जूता चप्पल चला था, कुर्सी तोड़ता, हम अभी तक कुछ नहीं तोड़ा है। साला बाबू जूस पिलाओ अन्ना को। नहीं मांगता जूस हमको। साला वो राजा को मिलके वो कालिया का गेम बजाया, डबल क्रॉस क्या है मेरे को? नहीं नहीं अन्ना, नहीं नहीं डबल क्रॉस नहीं, रणनीति। कालिया और राजा जैसे लोग हमारी रणनीति की शतरंज के प्यादे हैं, जो आते जाते रहते हैं। कालिया ने टाइगर को मारा, राजा ने कालिया को मार दिया, हिसाब बराबर। क्या हिसाब बराबर? तुम बोलता हिसाब बराबर कितना पड़ा जी? साथियों से दो बार फेल हुए हैं, अपनी शाही खानदान की परंपरा को कायम रखे हैं, पूछिए तो। साथी फेल, मैं तो मैट्रिक पास हूँ फर्स्ट क्लास, इनके ऊपर 13 गड़बड़ घोटाला, मेरे ऊपर 1, 2, 3 ओनली 3 नो 123 किडनैपिंग, 16 मर्डर यानी कि 16, 2 रेप, रेप हमने नहीं किया। साला इनको जिताने के वास्ते हमने भूत कैप्चरिंग किया, बोगस वोट डलवाई, चंदा इकट्ठा किया, तुम लोग हमको चेंडी लगाते। हम इडियट नहीं बनेगा अबे, हम इलेक्शन में खड़ा रहेगा, हम मंत्री बनेगा, बताने को आया हुआ था। आई एम गोइंग सात्वी फेल, क्या मालूम पड़ेगा, आई एम नॉट कमिंग डायरेक्टली मिनिस्ट्री। जीजा जी, ये तो हर मामले में आपसे सीनियर हैं, कहीं ये मंत्री बन गए तो? इतना आसान नहीं है साला बाबू, मंत्री बनने के लिए जबान में जहर और दिमाग में कमीनापन बहुत जरूरी होता है। और ये दोनों आपके पास है। ऐसा गेम है यार, एक आदमी का गेम बजाने के लिए जितना सोचना नहीं पड़ता है उसको ज्यादा ही सोचना पड़ता है यार। ये चीज के लिए दिमाग जाओ जाओ लेके जाओ 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 ये ले। तुमको मालूम है आज ये मीटिंग मैंने किस लिए बुलाई? हाँ मालूम नहीं? नहीं मालूम, बताया नहीं तो मालूम कैसे होगा? ये नेता लोग इलेक्शन में है, हमको यूज करता बोले तो हम लोग फिर लफड़ा करता, बोगस वोटिंग करता तो ही जीतता है, और इलेक्शन जीतने के बाद वो हमारा इनकाउंटर करता है। बराबर बोला ना सबसे बढ़िया जॉब गुंडागिरी नहीं नेतागिरी। नो डिग्री नो सर्टिफिकेट, टिकट सर्टिफिकेट, इलेक्शन जीतने का सब लाइफ सेट, कैसा आइडिया? बहुत बढ़िया आइडिया है। बुरा आइडिया है पब्लिक में हमारा इमेज गुंडे का, वो पहले ठीक करने का, एक एक पब्लिक को पकड़ के उसको रिस्पेक्ट देने का, पैर बैठने का, माफी मांगने का, फिर वो इलेक्शन देगा, इलेक्शन नहीं वोट देगा ना। हाँ इलेक्शन में वोट देगा, गरीब लोगों को दारू बांटने का, अमीर लोगों को हुल देने का, फिर मंत्री बनने का, कैसा मेरा आइडिया? अन्ना टाइगर का भाई राजा आपसे मिलने आया है। भेजो उसको, अपने टाइगर का छोटा भाई राजा। कलम का फोन किया, बोला अन्ना मेरे को मिलने का है, हम बोला आ जाओ, अच्छा छोकरा अपने काम का, बहुत डेयरिंग बोले तो बहुत डेयरिंग। अरे राजा आओ आओ आओ। नमस्ते। वनकम आओ राजा, ये अपने टाइगर का छोटा भाई बिल्ली। बिल्ली कैसे? छोटा टाइगर? बिल्ली कैसे होता है छोटा टाइगर? और ये अपना मिनिस्ट्री राजा, तो आया ना, मेरे को बहुत खुशी हुआ, बहुत बोले तो इस खुशी में मैं तेरे को कल्याण दिवा बोले तो देता है एरिया करके। अन्ना अपने को एक बात करने का है। तो करना, ये सब अपने लोग हैं।
अन्ना अकेले अकेले में बात करने हैं। प्राइवेट मीटिंग, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। नया नया शर्माता है। तुम लोग बैठो, सोचो। हाँ सोचो, चलो तुम चलो 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 अंदर चलो। राजा तेरी मेरी बहुत जमेगी, तेरे को बहुत दिमाग है। दिमाग वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आ जाना अंदर, आ जाना बिंदास। तेरे आने से मैं बहुत खुश हो गया, बहुत खुश। बोले तो आ जाओ ना, बहुत बहुत बोले तो बहुत खुश हो गया। अभी मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, अपना स्टाइल जो पहला आता है उसको अपन गिफ्ट देता है। ये देख, हाँ ये देख कैसा है। हाँ एक भी गेम नहीं बजा है इससे। बोल क्या बोलता है। हाँ हाँ समझ गया, तेरे को कल्याण मुमरा नहीं चाहिए। अरे टाइगर का भाई, मुंबई का कौन सा एरिया मांगता है। बोल अखा मुंबई। क्या अन्ना अपने को तो अखा मुंबई मांगता है। मुंबई बोले तो मजाक करते एकदम टाइगर का स्टाइल। तू तू हटा ना, बात करने में टेंशन होता है। प्राइवेट मीटिंग बोले तो टेंशन हटा ना। अन्ना टाइगर को भी तू नहीं मरवाया था ना। हाँ मैंने मरा, मैंने मरा था। तेरे को सब पता चल गया, मतलब मेरा गम गम बच गया, मेरा गम बच जाएगा। मैं माफी मांगता हूँ ना। तू अखा मुंबई ले ले, अखा मुंबई तू ले ले। तू मैं तेरा ससन बन के रहूंगा, तू बस मैं ऐसे। अबे हटा ना, मुझे डर लगता है, टेंशन थोड़ा नीचे लेना। हाँ तू अच्छा नाइस आदमी है, मेरे को मालूम था अच्छा आदमी है तू। तू ही नाइस मैन है, तेरे को बम्बई ले ले पूरा, मेरे को कुछ नहीं। शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। अंडरवर्ल्ड ने शहर में आतंक मचा रखा है। आए रोज गैंग वॉर हो रहा है। राजा जिसे कल तक कोई जानता नहीं था आज डॉन बन चुका है। होम मिनिस्ट्री से प्रेशर है, अगर जल्द से जल्द इन लोगों पर काबू नहीं पाया गया तो सबका तबादला कर दिया जाएगा। शहर से सारे गुंडों का सफाया कर दीजिए, आगे जो होगा मैं संभाल लूंगा। इंस्पेक्टर सिद्धांत। यस सर। मुझे 48 घंटे के अंदर राजा सलाखों के पीछे चाहिए। सर मैं आपसे वादा करता हूं शहर के सारे गुंडों का सफाया हो जाएगा और राजा वो बहुत जल्द हमारे काबू में होगा। गुड, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है। खुशी तुम सारे हालात को जानती हो, अगर मैं उन लोगों को खत्म नहीं करता तो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरता रहता। मैं कायर बनकर जिंदगी नहीं जीना चाहता था खुशी। मैंने कसम खाई थी कि मैं शहर के सारे गलत काम करने वालों को, सारे गुंडों को खत्म करके चैन लूंगा। करिस रईस की औलाद, आज देखता हूं मैं तेरे बाप की खादी में ज्यादा दम है या मेरी इस खाकी में। वो तो अभी पता चल जाएगा इंस्पेक्टर कि किसमें कितनी ताकत है। हेलो, मैं धर्माधिकारी बोल रहा हूं। ए कबूतर, मैं किसी धर्माधिकारी को नहीं पहचानता, सुना तूने? फोन रख। पर कतर दूंगा मैं थारे। मैं तेरे को बोला फोन रख। मारे से ऊंची जबान में बात करता है। तुझे ऐसा नहीं मानना है।
देख, अगर तू अपने तन पर वर्दी देखना चाहता है तुम्हारे बेटे को छोड़ दे। प्रमोशन तो रुकवा दिया है मैंने थारा, सितारे भी छीनूंगा। चुप, मेरे को बोला फोन रख। हेलो, क्या बात है भैया, बहुत गुस्से में हो? रानी क्या काम है तुझे, बोल क्यों फोन किया तूने? भैया आज रक्षाबंधन है और मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। I'm sorry, मैं दिमाग से बिल्कुल निकल गया। मैं I'm sorry मेरी बहना, मैं अभी आता हूँ। भैया पूरा भैया आज नहीं, प्लीज 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 प्लीज। गुड ब्रदर, अब लाओ मेरा है ना, पहले पैर छुओ। ओके, मांग क्या मांगती है तू, भी क्या याद रखेगी, एक भाई ने एक बहन को तोहफा दिया था, मांग। मांगू? पहले वादा करो जो मांगूंगी वो दोगे? किया? पक्का? पक्का। भैया वो अरे भाई कोई बहुत कॉस्टली तोहफा तो नहीं मांगने जा रही ना भैया? हाँ बोल। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी खबर। कौन है वो खुश नसीब? कम ऑन टेल मी द नेम, कम ऑन टेल मी द नेम। बता रही हूँ, मैं अभी मिलाती हूँ उससे। हाँ मिलाओ, मतलब वो यही कहीं है क्या? हाँ आप पहले आंखें बंद करिए, करिए ना। कर ली, खुलना नहीं है। जल्दी करना भैया, अब आंखें खोलो। ये लो खोल। भैया ओह माय गॉड, नहीं भैया, रानी तो कुछ नहीं होगा। ओह रानी, ओह माय गॉड, रानी ये मैं क्या कर गया? वो देख उस दिन वाली लड़की, मोंटो आई एम सॉरी फॉर दैट डे, अब तक नाराज हो, जो हुआ भूल जाओ ना, लेट्स बी फ्रेंड्स। अरे मिला ले। मोंटो चलो ना कहीं और चलते हैं। पूजा हुँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। रियली? टुडे आई एम वेरी हैप्पी। मोंटो मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। सच? सच मोंटो। मोंटो तुम मुझे यूं ही हर पल प्यार भरी नजरों से देखते रहो। I love you, पूजा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ मोंटो। Don't leave him! Don't leave him!
ये धर्माधिकारी, तेरी शतरंज की बाजी पलट गई है, तेरा खेल खत्म। कौन बोल रहा है? अबे मैं बोल रहा हूँ, आवाज नहीं पहचानी? प्रताप। ओ तू, तेरा गंदा खून मेरे पास है। क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। बात करनी है अपनी नालायक औलाद से, ये ले बात कर। डैडी, डैडी मुझे बचा लो डैडी। बेटे तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुझे, थारे पे हाथ नहीं आना दूंगा मैं। हाँ सुन ली आवाज प्रताप, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं थारे, जानता नहीं तू मन्ने? ये आवाज नीचे करके बात कर। मैंने तेरे को पहले ही बोला था, मेरे लिए मंत्री और संतरी दोनों बराबर हैं। कोई फर्क नहीं है दोनों में। पहले तू शतरंज की चाल चलता था और मैं देखता था, अब मैं चाल चलूंगा और तू देखेगा। प्रताप! प्रताप! तुम्हारे साथ जेल में बंद था, तू भी उसके बारे में वही सोचता रहा जो दुनिया सोचती है, सच्चा और ईमानदार पुलिस वाला है ना, जबकि सच्चाई यह है कि यह ही गुंडागर्दी की जड़ है। यह क्या कह रहे हैं आप? राजा, अगर तूने प्रताप को खत्म कर दिया तो समझ लो इस शहर से गुंडागर्दी, गैंग वॉर, कालाबाजारी सब खत्म हो जाएगा। आपने कालिया दिया था, मैं प्रताप दूंगा, ये हुई ना बात। चलता हूं। ये हुई ना शतरंज की चाल, हमने प्रताप को मात दे दी। अरे जीजा जी, बहुत गलत चाल चलती हैं आप। ये देखिए, ये जो प्यादा है ना, ये आपके बादशाह को ऐसा मारेगा। चुप कर, तू चमचा है चमचा ही रहेगा, मारी चाल थारी समझ में नहीं आएगी। छी छी छी, ये तो एकदम घटिया राजनीति है, और इसी की वजह से पहले दीदी ऊपर गई, फिर मोंटू ऊपर गया, और अब आपकी बारी है। अपनी औकात में रह, मारे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता अब मन्ने राजनीति सिखाएगा। निकल यहां से, निकल। जाता हूं, जाता हूं, लेकिन आप हमको जानते नहीं हैं। हम वहां पैदा हुआ हूं जहां राजनीति पैदा होती है। आपके 240 एमएलए में से 160 एमएलए हमारी जेब में, समझे? अब देखता हूं कि तुम कैसे बनते हो मुख्यमंत्री, और खेलते रहो ये चश्मा जिंदगी भर अकेले। एक दिन ऐसा आएगा कि बेजान मोहरे भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे, समझे? क्या बात है भाई, आज शहर का सबसे बड़ा डॉन, सबसे बड़ा भाई मुझसे मिलने आया? तुझसे मिलने नहीं, तुझे खत्म करने आया हूं मैं। आज तुम्हारे सारे गुनाहों का अंत हो जाएगा प्रताप। मुझे पता चल गया है कि तूने ही मेरे भाई को गुनाहों के दलदल में फंसाया था। ये क्या कह रहे तू राजा?
प्रताप, तेरी सारी सच्चाई समझ गया हूं मैं। शहर का सबसे बड़ा गुंडा है तू। पुलिस की वर्दी पहनकर ईमानदारी का ढोंग करता है तू, और जिसे भी तेरी हकीकत का पता चलता है उसे खत्म कर देता है। अपनी बहन को खत्म कर दिया तूने, धर्माधिकारी के बेटे को भी मार डाला। गलत कह रहा तू राजा, बिल्कुल गलत कह रहा। तू भी उसी शतरंज की बिसात का मोहरा बनने जा रहा है जिसका तेरा भाई टाइगर बन गया था। वो अधिकारी का बच्चा अपने आप को मुझसे बचाने के लिए तुझे मोहरा बना रहा है राजा। राजा किसी शतरंज की बिसात का प्यादा नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे आप जनते नहीं हैं, ये जो है ना बहुत सच्चे और ईमानदार पुलिस वाले थे। हमरे जीजा जी ने इनकी वर्दी उतरवाए थे और टाइगर का खून भी हमरे जीजा जी ने करवाया था, और तुम्हारे हाथों अन्ना और कालिया को मरवाया था। अब प्रताप को मरवाना चाहते हैं और मौका मिलते ही आपको भी मरवा देंगे, समझे? सुना, असली गुनहगार कौन है राजा? उस हरामजादे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमरे जीजा जी ने पूरे परिवार को तुमरे उठवा लिया है। क्या? हाँ, इसके पहले कि हमरे जीजा जी कोई नई चाल चले, चलो उनको अपने काबू में कर लेते हैं। चलो। रुक जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। करूंगा, लेकिन एक और गुनाह करने के बाद मैं तुम्हें यह हरगिज नहीं करने दूंगा। सिद्धांत, राजा को जाने दे। नहीं सर, यह कानून का मुजरिम है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। ये मुजरिम नहीं है सिद्धांत, असली मुजरिम वो धर्म अधिकारी है। सर, कानून उसे सजा देगा। नहीं सिद्धांत, नहीं। एक मिनट होल्ड सिद्धांत, जिस कानून की तू बात कर रहा है उसी कानून का मैं भी आदमी था। मैं कानून की इज्जत करता हूं सिद्धांत, यू नो दैट। मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद ये अपने आप को कानून के हवाले कर दे। आई स्वेयर सिद्धांत, इस देश के अंदर आज तक किसी भी मंत्री को उम्र कैद की सजा हुई, उसे फांसी के तख्ते पर लटकाया गया? नहीं ना। अगर गोली मारनी है तो धर्म अधिकारी जैसे लोगों को जाके मार, उसके बाद राजा भाग यहां से। नहीं राजा, अगर तूने भागने की कोशिश की ना मैं तुझे गोली मार दूंगा। राजा भाग, राजा भाग, राजा भाग। नहीं सर, भाग। सिद्धांत जाने दूसरे। सर, ये आपने अच्छा नहीं किया, इतने खतरनाक मुजरिम को आपने भागने दिया। क्या बात है इंस्पेक्टर, हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी कर दी। सर, आप बाहर नहीं जा सकते। क्यों? सर, मुझे आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है, आपकी जान को खतरा है। हमारी जान को खतरा है? किससे? राजा और प्रताप से। ये जिंदा है अभी? हाँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ निपटाओ उनको। पहले आपकी सुरक्षा जरूरी है। अरे छोड़, हमारी सुरक्षा हमारे पास है, तू अपनी ड्यूटी कर, चल हटा गाड़ी यहाँ से। सर, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अरे ये हिम्मत, तू मन्ने रोकेगा? धर्माधिकारी हेलो। कमिश्नर साहब, धर्माधिकारी बोल रहा हूं। आपका ये इंस्पेक्टर पागल हो गया है, इसने मेरा रास्ता रोक लिया है, जाने नहीं दे रहा है। मैं सीएम बनने वाला हूं कमिश्नर साहब, गवर्नर से मिलने जा रहा हूं, और ये कहता है कि ये जाने नहीं देगा। ये दो फीते वाले इंस्पेक्टर की औकात क्या है? लेकिन सर, आपकी सुरक्षा। अरे भाड़ में गई मारी सुरक्षा? गुंडे खाते खुले हम घूम रहे हैं और तुम मारी सुरक्षा की बात कर रहे हो? पहले उनको काबू में करो और समझाओ उसको। ले बात कर। हेलो सर। सिद्धांत, तुम इसे अच्छी तरह जानते हो, ये अगर सीएम बन गया तो पूरे डिपार्टमेंट को परेशान कर देगा, इसलिए तुम खुद इसके साथ जाओ। ओके? ओके सर। क्या? आई एम सॉरी सर। चल गाड़ी में बैठ और आगे आगे चल हमारे।
माफ कर दे प्रताप, राजा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं कान बिगाड़ता हूँ, अब ऐसा नहीं करूंगा, प्रताप मुझे माफ कर दे, राजा मुझे माफ कर दो। राजा रुक जाओ, राजा सीधा नहीं, रुक जाओ, सीधा मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा। नहीं नहीं सिद्धांत नहीं, राजा मारे से, राजा मारे से, नहीं नहीं राजा, राजा मारे से, क्या राजा, नहीं तो गोली मारूंगा तुझे। राजा मैंने कहा मारे से मार, राजा मारे से, राजा ओ